हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। एक जियो का फ़ोन है F220B जो कि चार्ज नहीं ले रहा है। चलो चलते हैं काम की ओर। चार्ज नहीं ले रहा है, देखिए चार्ज नहीं ले रहा है, चार्ज नहीं ले रहा है। चलिए एक बार इसको ऑन करके देखते हैं। ऑफ में नहीं लिया, शायद ऑन में ले सकता है। जियो का फ़ोन बहुत ऐसा है जो ऑन में शो करेगा तो ऑफ में नहीं करेगा, अगर ऑफ में ले रहा है तो ऑन में शो नहीं करेगा। ऐसा जियो फ़ोन का बहुत प्रॉब्लम आता है। जो हमारे चैनल में नए दोस्त देख रहे हैं वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल में सेट कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तक जल्दी से पहुंच जाए। चलिए मोबाइल ऑन हो रहा है, आप लोग देखते रहिए। फ़ोन में भी चार्जर कनेक्ट करके देखते हैं लेता है या नहीं लेता है। उसके बाद में फिर मोबाइल को ओपन करेंगे, ओपन करके भी दिखाएंगे आप लोग को। देखिए चलिए चार्जर पिन कनेक्ट किए हैं, नहीं ले रहा है, देखिए नहीं ले रहा है। देखिए फिर एक बार दिखाते हैं, देख नहीं शो कर रहा है, ले नहीं रहा है। चलिए इसको ओपन करके चेक करते हैं। मोबाइल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में चेक करेंगे इसका जग सही है या ख़राब है, आपके सामने सब दिखाएंगे काम करके क्या प्रॉब्लम है नहीं है। आप लोग देखते रहिए, मेरा वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ में आएगा आप लोग का कहां से क्या प्रॉब्लम है नहीं है, वो देखने के बाद ही पता चलेगा आप लोग को। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए दोस्तों को बेल आइकन दबा के ऑल में सेट कर दीजिए। ये पत्ता को निकाल लेते हैं, कीपैड पत्ता को। एक बार चेक करते हैं जग खराब है क्या खराब है, एक बार देख लेते हैं सामने। देखिए नहीं दिख रहा है तो चलिए ऊपर करके दिखाते हैं, एक बार मीटर में रख लेते हैं। यहाँ से दिख नहीं रहा है, आप लोगों को दिखने में सुविधा नहीं लग रहा है। ऊपर में लेके दिखाते हैं आपको। चलिए देखिए चार्ज नहीं ले रहा है, चार्ज नहीं ले रहा है। चलिए लगता है चार्ज पिन को चेंज करना पड़ेगा, चार्जिंग जग को निकालना पड़ेगा। अरे ये तो चार्ज पिन ही रखा हुआ था, जो जैसे लग रहा है कि रखा हुआ है, कोई टेक्नीशियन ने बनाया होगा, सही से इसको सोल्डिंग नहीं किया होगा इसके कारण से निकल गया, या फिर कस्टमर ने धकल धकल के तोड़ दिया होगा। कभी कभार चार्ज नहीं लेता है तो कस्टमर परेशान हो जाता है, इधर उधर धक्का मारने लगता है, अब लेगा पर लेता नहीं, इसी कारण से चार्जिंग जग को तोड़ देता है, ऐसा भी होता है। चलिए इसको साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लेंगे, सोल्डिंग आयरन से इसको रंगा को चढ़ा लेंगे हल्का हल्का ताकि चार्जिंग जग सही से बैठ जाए। और चार्जिंग जग को भी थोड़ा थोड़ा सोल्डिंग कर लेंगे रंगा से, तो मजबूत हो जाएगा, पकड़ लेगा दोनों जगह, रंगा मिल जाएगा तो पकड़ लेगा अच्छी तरह से। और ये ऊपर में भी थोड़ा लगा देंगे जग को,
ताकि ये भी बैठ जाएगा सही ढंग से, जल्दी टूटेगा नहीं रंगा चढ़ाने से। तो लेग को भी दे देंगे हल्का सा, यहाँ दे तो उस साइड भी दे देंगे हल्का हल्का सा। इस तरह करने से क्या होता है कि जग जल्दी कबड़ेगा नहीं, कस्टमर तो नहीं लेने के बाद धक्का ज़्यादा मारता है, अबर लेगा इधर करता उधर करता। अगर मजबूत से बैठाने से क्या होता है कि जग जल्दी कबड़ता नहीं है, इसी कारण से रंगा को लगाना चाहिए जैक में भी और नीचे भी सही ढंग से बोर्ड में भी। चलिए सोल्डिंग करते हैं इसको, जैक को सोल्डिंग कर रहे हैं। आप लोग देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम है नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि चार्जर पिन लगा रहे हैं तो चार्जर पिन या जग लगाने के बाद में चार्ज लेना चालू करेगा, ऐसा भी नहीं है, दूसरा भी प्रॉब्लम निकल सकता है, इसीलिए बोल रहे हैं पूरा वीडियो देखिए। अगर चार्जर जग लगाने के बाद में हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो आगे देखेंगे स्टेप बाई स्टेप काम करेंगे। चलिए जग लगाने से पहले ये सेलो टेप लगा लीजिए मैक में, ताकि गर्म हवा चला जाता है तो मैक खराब हो जाता है। सेलो टेप आता है, एब्रो टेप आता है, इसको साथ लीजिए ताकि मैक खराब नहीं होगा। चलिए बोर्ड के नीचे से बल्बर मशीन से असेंबली मशीन से गर्म करेंगे और पिन को चार्जर जग को बैठा देंगे। अब लोग देखते रहिए किस तरह काम कर रहे हैं, आप लोग भी इसी तरह कीजिएगा। चलिए जग को बैठा दिए बोर्ड में, सोल्डिंग करना है, सोल्डिंग कर देते हैं, चारों तरफ से सोल्डिंग कर देंगे अच्छी तरह से ताकि जग कबड़े नहीं दोबारा। जो भी काम कीजिए दोस्तों, और मजबूती से काम कीजिए, सही कीजिए, साफ़ सुथरा कीजिए, ताकि कस्टमर बार बार आप ही की दुकान आए, दूसरे दुकान न जाए, काम पसंद आना चाहिए कस्टमर को। जो भी काम कीजिए अच्छी तरह से कीजिएगा, कभी शिकायत नहीं होगा। जैसे हम कर रहे हैं उस तरह आप लोग भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सोल्डिंग कर रहे हैं, दोनों सेट कर लिए, आगे सेट कर रहे हैं, देखिए आराम से कीजिए, कोई अकबकी नहीं है, आराम आराम से कीजिए और सही से कीजिए। और दोस्तों आप लोग को यही बोल रहा हूँ दोस्तों कि हमारा चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ बताइएगा अच्छा लगा कि नहीं लगा मेरा वीडियो, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा कर ऑल में सेट कर दीजिएगा ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। चलिए जग को साफ़ कर लीजिए, बोर्ड को दोनों साइड से ऊपर नीचे दोनों साइड से साफ कर लीजिए, इसी तरह का कचरा नहीं रहना चाहिए, साफ रहेगा अच्छा रहेगा। चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं, चार्जर को अटैच करते हैं तो आउटपुट भी देखना पड़ेगा ना। चलिए बराबर है, आउटपुट बराबर दे रहा है, यानी सही जग लग गया हमारा। देखिए कोई भी जियो फोन का अगर बिना बैटरी इंसर्ट किए हुए चार्जर इन करते हैं तो लाइट आएगा, तो समझ जाइएगा कि परफेक्ट आपका जग लग गया है। चलिए फिट करते हैं, एक बार फिट करके दिखाते हैं आप लोग को। शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बैटरी तो लगा ही नहीं, अभी बैटरी लगा के बैटरी इंसर्ट करेंगे उसके बाद दिखाएंगे। चलिए पहले मोबाइल को फिट कर लेते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को दबा कर ऑल में सेट कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए चार्जर इन करते हैं, देखिए लेने लगा। आपके सामने जो भी काम हुआ आपके सामने हुआ,
देखिए ले रहा है, एक बार ऑन करके भी दिखाते हैं, ऑन करके भी देखिए। जो भी काम करेंगे आपके सामने काम करते हैं, कुछ अलग से नहीं है, बिल्कुल सही काम करते हैं। और आपके सामने काम करेंगे, आप लोगों को दिखने में भी अच्छा लगे, और जो हम बोल रहे हैं आप लोग तो समझ रहे हैं हमारा बोलने का तरीका कैसा है। बस आप लोग देखते रहिए, जो काम है वही काम के बारे में बोलते हैं, दूसरा कुछ और नहीं बोलते हैं। देखिए लाइट को ऑफ कर दिए, अब दिखाते हैं, सामने से दिखाते हैं। देखिए ले रहा है। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सारे कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।